लिए भैया अब कितनी बार पढ़ोगे, लेकिन ऐसी बड़ी सारी मूवियां हैं जिनको लोगों ने असंख्य बार देखा है, रिकॉर्ड बनाया है। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है, उन पर तो चर्चा करना ही बेकार है। हिंदुस्तान पहले रैंक पर है पॉर्न साइट देखने में, पहले पाकिस्तान था, हमने उसे पीछे कर दिया, कहीं तो हमने विजय पाई है पाकिस्तान पे, पहले पाकिस्तान था, अब हिंदुस्तान पहले रैंक पर, ये उपलब्धि है हमारी, बहुत बढ़िया, ताली बजना चाहिए, उपलब्धि कहीं भी हो उपलब्धि तो है ही है। ये इटली नीदरलैंड जैसी कंट्रियां ये बड़ी परेशान रहती हमसे, सेक्स अलाउड है पब्लिक प्लेसेस पे, तो कहीं भी शूट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को, और सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, हम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो बेचारे बड़े परेशान होते, बड़े अच्छे चिंता में पड़ते हैं कि यू मॉरल पीपल, सबसे ज्यादा आदर्शवादी लोग, तुम हिंदुस्तान में सेक्स पर बात पब्लिकली नहीं कर सकते, पब्लिकली करोगे तुरंत लोग नाराज हो, बंद करिए, बदतमीजी कर रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में अगर सेक्स शब्द चिल्ला दोगे 50 लोग पड़ जाएंगे तुझे, कहां कहां नहीं ऐसे ही चिल्ला रहे, लेकिन अगर सेक्स पर तुम पब्लिकली बात करोगे लोग बहुत नाराज होंगे कि भाई साहब गंदी बात मत करिए, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। और जितना ये देश सेक्स का विरोध कर रहा था ना, उतनी वीडियो देखो फेसबुक की क्लिपिंग, सारी हदें पार कर दी है इस देश ने, वो किसका नतीजा है, दमन का। 70 से मैं कई बार क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता, मैं उठाता हूं फाइनली, अब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, भारत नंबर वन पे है तो कोई तो देख रहा होगा भैया, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नैतिक तो हम ही ले लेते हैं भैया, हम देख रहे हैं, सर एक दूसरे को देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सब नीचे कर लेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी। और 70 से 80% लोग लैपटॉप मोबाइल में एक सेपरेट फाइल है स्पेसिफिक नेम के साथ, महाभारत, खैर उस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे।